साथियों नमस्कार, आज आपको मिला रहे हैं एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी व्यक्तिया जिसका नाम है नंदिनी मौर्य। और आप देख रहे होंगे कि ये पेंटिंग और ये जो कलाकृतियां हैं ये अपने आप को बोल कर बता रहे हैं कि आपने हमको कैसे तराशा है। ऐसी बालिका से आपको मिला रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर इस जनपद गोंडा में रहकर पूरे जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। और इस समय ये कहाँ पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। बेटा तुम इस समय कहाँ पर पढ़ाई कर रही हो? बीएचयू जैसे डिग्री कॉलेज में वहाँ पर आप अध्ययन कर रही हैं। कौन सा बीएफए कोर्स चल रहा है? और आप देख रहे होंगे कि ये जो पेंटिंग है बेटी की, इसको आप बनाने में लगभग कैसे अपना ये अपने तय किया कि हमको इस क्षेत्र में जाना है? सर जब मैं छोटी थी, मुझे याद है जहाँ तक, बहुत छोटी थी वो तो नहीं याद है, लेकिन जब मैं फिफ्थ क्लास में थी या फोर्थ में थी तो मैंने शुरू से ही ये बनाना स्टार्ट कर दिया था। छोटा मोटा ऐसे आर्ट बनाती थी मैं, लेकिन मुझे शुरू से ही पोर्ट्रेट बनाना ज्यादा पसंद था। तो पोर्ट्रेट में ज्यादा लगन होने के कारण मैं ज्यादातर यही पोर्ट्रेट ही बनाना पसंद करती हूँ। वैसे मैं अभी लैंडस्केप भी बना लेती हूँ, सब कुछ बना लूंगी, लेकिन पोर्ट्रेट मुझे खुद का ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ना किसी का चेहरा बनाओ तो वो उसकी सौंदर्य झलकती है उसमें, उसके हेयर कैसे हैं, उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा, ये सब चीजें होती हैं। तो इन सबको ध्यान में रख के काम करना रहता है, मुझे इन सब चीजों पे काम करना बहुत पसंद था। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया, शुरुआत की पढ़ाई मेरी यहाँ एक मतलब कॉलेज है, स्कूल ही है, गर्भ सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ से मैंने फिफ्थ तक पढ़ाई की है। उसके बाद में सिक्स से मैंने MDBC इंटर कॉलेज तरकन में एडमिशन करवाया, वहाँ वहाँ हाई स्कूल तक की पढ़ाई होने के बाद मैंने अपना ट्वेल्थ क्लास, क्योंकि वहाँ पे आर्ट था नहीं और मुझे आर्ट से ही अपनी पढ़ाई आगे बढ़ानी थी, तो फिर नवाबगंज गर्ल्स इंटर कॉलेज, नगर पालिका गर्ल्स इंटर कॉलेज, वहाँ पे मैंने इंटर में एडमिशन करवाया और वहाँ से मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने BHU में अप्लाई किया BFA कोर्स के लिए, क्योंकि मुझे आर्ट से आगे बढ़ना था, इसीलिए मैंने BFA करना था। कला को अपना जीवन मान लिया? यस सर। तो हम लोग लिखा देखते थे कला ही जीवन है और आपने उसको चरितार्थ किया है, बधाई के पात्र हैं। और बहुत सी पेंटिंगें हैं जो आपके द्वारा दिख रही हैं कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं हर तस्वीरें। कोविड के समय आपने जो ये पेंटिंग बनाई है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक जागरूकता को आपने कितना बेहतरीन ढंग से, कि हर व्यक्ति समझ सकता है कि हमको कैसे अपने आप को कोविड से बचाना है, इस तरह से समाज, पर्यावरण और मातृभाव, महापुरुषों को आप उजागर करते हुए जो आपने काम किया है वास्तव में काबिले तारीफ है। और हम अपने साथियों से बताना चाहते हैं कि जनपद गोंडा की एक गांव की बेटी जो अपने दम पर ऐसा काम कर रही है जो कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे जनपद गोंडा में ऐसी हस्ती है। और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी बेटियां जिनके घर में है, हम ऐसे परिवार को भी धन्यवाद देते हैं, हमें नाज है अपनी बेटी पर। और ये बेटी अब गोंडा की बेटी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। नंदिनी मौर्य जी, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई और जल्द ही हम चाहते हैं कि आप जैसे हस्ती के साथ गोंडा जैसे शहर में एक बहुत ही बढ़िया से एग्जीबिशन हो आर्ट का, जिसमें अपने जिलाधिकारी महोदय के और सबको जल्द ही बुलाएंगे, ऐसा हम आश्वासन देते हैं। और ये पूरे जनपद में एक चर्चा का विषय हो कि कला के क्षेत्र में भी एक अपना पड़ाव है और कला के क्षेत्र में भी काम करके हम आगे जा सकते हैं। आपने एक नसीहत दी आने वाली पीढ़ी को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।